हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ है ऋषभ, ये मैं और ये पीछे सोनाक्षी आ रही है और मुझे जाना है दर्जी के पास। टेलर गांव में दर्जी भी बोलते हैं, टेलर भी बोलते हैं और बहुत सारी चीजें बोलते हैं। कितने ब्लाउज दे रखा था सिलने के लिए और मैं जा रही हूँ उनके घर। तो उसके पहले मैं टेलर के पास आई हूँ, ब्लाउज वगैरह ले लेंगे। फिर उसके बाद मेरा भी ब्लाउज है, पूछते हैं सिला है कि नहीं क्योंकि मेरा काम ना हमेशा लोग पीछे ही करते हैं क्योंकि हम पड़ जाते हैं सीधी साधी। अब मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा डरावना इंसान बनना पड़ेगा, तगड़े मतलब कि तगड़ी इंसान बनना पड़ेगा क्योंकि हाँ क्योंकि हम कभी कभी किसी को मतलब चिल्ला कर बात करते नहीं है, अपने पति से अपने बच्चों से कर लेते हैं, कभी दूसरे इंसान से किए नहीं। अब मुझे भी मेरे से बहुत ही ज़्यादा चिल्ला। हाँ अब मुझे भी तेज बनना पड़ेगा। तो चलते हैं, आज हम टेलर को ही अपना सारा गुस्सा उतार ही देते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर, मिलते हैं टेलर के पास। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ साड़ी दे दिया है सिलने के लिए, इसमें फाल पीको और ब्लाउज सिलना है और मेरे ब्लाउज का लंबाई 17 इंच रखा करिए क्योंकि जब मैं ब्लाउज ऐसे उठाती हूँ ना तो उठ जाता है इसी से, और इसका चैन सही कर देना। और लहंगे का भी ब्लाउज 17 इंच रखिएगा, ठीक है? पहले मैं बता दे रही हूँ, लिख लीजिए ना 17 इंच लंबाई। लेकिन मैंने जो आपको आसमानी वाला दिया था उसका भी ब्लाउज ऐसे उठ जा रहा है। सोलो क्या बोलते, मेरा आवाज़ें तेज है, ये बहुत ही चिल्लाती है। देखो सीधे है ना इसलिए हमारा काम थोड़ा स्लो करते हैं आप। अब मुझे भी तेज बनना पड़ेगा किट्टो की तरह। आइए हाँ ये किट्टो का ब्लाउज एक भी है, इसको ना किट्टो नाप कर फिटिंग कर दीजिए बस। अभी नहीं हो पाएगा। अरे ले जाएंगे आजी, नहीं हो पाएगा जिसको दूसरे का काम रखा है। मशीन हम कर लेते हैं फिटिंग, नाप बता दीजिए कैसा है, कौन सा नाप है उनका। मशीन ये कूड़ा कबाड़ा पड़ा है, अब जब ये इधर से कटिंग करके हटो। मार दीजिए एक सिलाई तो मारना है। माता श्री कुछ और भी काम देना होता है, इतना अर्जेंट क्या होता है। देखे खाली यहाँ से सिलाई चलाना है, देख लीजिए आप एक बार। सिलाई इसमें नहीं चलानी, ये बना रहे यार 2 मिनट का काम है उसके साथ, जैसे इतना लेट हो इतना जबरदस्ती मत किया करो, कभी कभी हम भी फंसे होते हैं। फंसे देखिए अब उन बोली है कि इसको मेरा फिटिंग बस करा दो। इनको बोलने से क्या होता है, पहले मेरे पास टाइम मिलेगा तब तो मैं करवाऊंगा। घोड़े पे सवार होके सब लोग आते हैं, ये नहीं आपके सिलवाते हैं जो आपके ही दुकान आएंगे, दूसरे दुकान पे जाएंगे तो क्या करूँ। मेरे को मैं खुद फंसा हुआ, मेरे को खुद काम देना है, मैं क्या करूँ बताओ क्या करूँ। तो जितना काम कर सकते उतना ही लिया करिए। तुम्हारे जैसे जबरदस्ती कर रहे हो, सभी जबरदस्ती करते हैं। हम लोग तो परमानेंट हमेशा सिलवाते हैं, ये नहीं कि कभी कभी आते हैं। परमानेंट अगर ये दुकान भी चल रही है ना परमानेंट की। क्या कर रहा है, क्या है ऐसा नहीं, मैं आपको नहीं कहूंगा बंद कर इसे। मेरे जो कस्टमर आते हैं ना एक बराबर सारे होते हैं। बुरा मत मानना, हम बुरा नहीं मानेंगे। अब जैसे कि अब जरूरत ये भी है, अब एक ब्लाउज दे जाएंगे उनका। अब एक महीने से, अरे मुझे मत दिखाइए एक महीने का। तो फिर हो रही हो आप लोग को पता है ना हम लोग का प्रमोशन का काम होता है, उसको का काम होता है, मगर किसी की शादी का काम है ये तो वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी। तो पहले हम लोग किट्टो का ब्लाउज ले लिए हैं और दर्जी से हमारी हो गई थी बहस बहुत ज्यादा। जब देते हैं तो टाइम से ब्लाउज सिल के कभी देते नहीं है, और फिर उसके बाद अरे किट्टो का भी एक ब्लाउज ठीक से नहीं किए हैं। तो देखते हैं किट्टो क्या बोलते हैं। यहाँ पर ढेर सारा ब्लाउज रख लिए हैं, हम लोग रास्ते में हैं, गाजियाबाद पहुँच गए हैं। बहुत सारे लोग का कमेंट आता है किट्टो कहाँ रहती है, गाजियाबाद में रहती है। और देखिए ऋषभ सोनाक्षी ये मैं हूँ, और ना मैं अरे कार के अंदर शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते मैं पहुँच गई हूँ। तो अभी भजन आने लगा था, हरिओम मियोम समाया है मेरा भोला नगर में आया है, ये भजन बज रहा था। तो हमने सोचा थोड़ा सा बीच में वीडियो शूट कर लेते हैं, चलिए किट्टू के घर मिल पहुँच कर फिर मिलते हैं आप लोग से। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ डांस प्रतियोगिता हो रहा है देख सकते हैं। और ये कृतिक 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 क्या देख रहे हो, ऐसे दुबला हो गई, खा लो खा लो खा लो। तो कृतिक अपना यहाँ बैठा हुआ है, चलो सीखने के लिए फंक्शन के लिए हम भी आए सीखने के लिए। तो यहाँ पर गाइस हम लोग पहुँच गए थे, तो किट्टो बोली तुम भी एक स्टेप कर लो, तो हमें भी ले ली है डांस में भाग।
कहेंगे अच्छा रहेगा। और हम लोग सोचे थे कि तीन देवरान जेठान है तो, लेकिन बड़ी वाली जेठानी गांव में है, कैसे करेंगे। तो यहाँ बोले चलो कोई बात नहीं, चलो दो ही लोग अपना सीख लेते हैं और अच्छा लगेगा। अगर तीनों देवरान जेठान एक साथ करते ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन अब यहाँ हम ही दोनों लोग का मतलब कि ये जो सर हैं डांस सिखा रहे हैं। पहले बताते हैं, डांस तो मैंने कभी सीखा नहीं है, लेकिन पहली बार जब सीखो करो बड़ा मतलब कि हर हंसी इतनी आती है स्टेप करने के बाद, इधर एक बार इधर एक बार उधर। तो गाना बज रहा था, कॉपीराइट आ जाता है, इसके वजह से मैंने ऊपर से वॉइस डाल रही हूँ। और देखिए 1 2 3 4 कोई भी, मैंने ये चीज़ देखा है कोई भी सीखने से पहले 1 2 3 4 इसलिए बोलते हैं कि अपना स्टेप इधर रहेगा। अब मेरा कमर नहीं, कमरा लोग बोल रहे हैं थोड़ा सा, हम कहें कि अब मुझे ये जो सर आ रहे हैं ना डांस सिखाने के, ये मेरे तरफ से हैं, 3-4 किलोमीटर दूर है, तो बोले कि आप आ जाया करो हमारे घर, मैं आपको सिखा दूंगा। हम कहें ठीक है, नेक्स्ट मैं भी अब जाऊँगी, ट्राई करूँगी इनके घर जाकर मैं डांस वगैरह सीखूँगी। तो मैं भी डांस करती हूँ, बने रही ब्लॉग के अंदर, देखिएगा यहाँ पर। ब्लॉग ले ब्लॉग ब्लॉग।